हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, दिवाली के हॉलीडेज के बाद वापस अपन जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि सभी काफ़ी अच्छा सीख चुके होंगे और आने वाले वीडियोस में और काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपके लिए। साथ में आज, जैसे कि आप सभी को पता है, आज है मंडे, तो मंडे को अपन हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करते हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, ओके, तो यानी जो ट्राइडेंट शेप होता है बुद्धिज्म का, जैसे कि आपने देखा होगा कभी ऐसा शेप, ये जो शेप होता है बुद्धिज्म के अंदर, जिसके अंदर एक चक्र होता है और साथ में एक त्रिशूल होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये आपको बताना है। तीन चीज़ें में, ये जो तीन शेप हैं, ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और आज हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन कल से वापस अपन हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर ट्रांसलेशन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको हिंदी में उसका जो मीनिंग है वो मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो ट्राइडेंट शेप सिंबल है बुद्धिज्म का, वो आपको पता होगा, उसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी ने यहाँ पे आंसर सही करेंगे। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो अभी सी आंसर आ रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए, इसका सही आंसर होगा निर्वाणा। देखिए, तीन चीज़ें जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ट्रिपल, जिनको अपन कहते हैं ट्रिपल जैम, ट्रिपल जैम रिप्रेजेंट करता है ये जो ट्राइडेंट शेप है बुद्धिज्म की, ये जिसके अंदर पहला तो क्या शो करता है, संघ, दूसरा बुद्धा और तीसरा धर्मा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ए, यहाँ पे आंसर है ए जो है वो ये चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करता है, ओके। ये जो ट्राइडेंट शेप है, ये तीनों चीज़ें ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल है ना, ये रॉयल एम्बलम है किसका, थाईलैंड का, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज्म काफ़ी फैल गया था, काफ़ी वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो थाईलैंड का ये रॉयल सिंबल भी है, जो कि त्रिशूल है, सुदर्शन चक्र भी इसके अंदर इंक्लूड है, ओके, जिसको अपन राउंड डिस्क कहते हैं, ठीक है ये। और जो एशियन रिप्रेजेंटेशन है किसका, बुद्धिज्म का, सांची स्तूपा के अंदर भी इसके ट्रेसेस मिले हुए हैं, ओके। तो उम्मीद है कि सभी को इसको पता होगा इसके बारे में, और फ्यूचर में आप गलत आंसर नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द ईयर 1788 एडी वॉज ए गुड वन फॉर हिंदुइज्म, वाई, तो 788 एडी के अंदर एक इवेंट हुआ था, वो आपको बताना है कौन सा इवेंट हुआ था इन चारों के अंदर से, ठीक है। तो हिंदुइज्म के लिए ये अच्छा दिन क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है, हिंदुइज्म के लिए काफी फेमस है 788 एडी, ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको बताना है। और काफी लोगों ने सही बताया कि ये रॉयल एम्बलम भी है थाईलैंड का, बबीता शर्मा जी ने, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो इसका ए सही आंसर होगा, शंकराचार्य वॉज बॉर्न, ओके, दैट ईयर 1788 के अंदर क्या हुआ था, एडी के अंदर शंकराचार्य, जिनको अपन क्या कहते हैं, आदि शंकरा कहते हैं, आदि शंकरा, ओके, आदि शंकरा या शंकराचार्य जिनको कहते हैं अपन, 18th सेंचुरी के इंडियन फिलोसोफर थे, ओके। अद्वैता वेदांता के बारे में आपने सुना होगा, एक इनकी थ्योरी थी अद्वैता वेदांता, डिवाइन मोनोटिज्म, जिसको बाद में अकबर ने फॉलो किया, बाद में विवेकानंद ने फॉलो किया कि सभी धर्म एक है, सर्विस टू मैन इज अ सर्विस टू गॉड, ये सब जो स्टेटमेंट है ये शंकराचार्य जी के दिए हुए थे, और काफ़ी इन्होंने काम किया हिंदुज़म को लेकर भी, हिंदुज़म के जो फिलोसफीज है उसको लेकर, ठीक है, काफ़ी यूनिफाई किया, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को प्रेस करी, ये ट्रैवल किया करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर और प्रोपोगेट किया करते थे अपनी फिलॉसफी, ठीक है, डिबेट किया करते थे बाकी जो थिंकर हुआ करते थे उस टाइम पे उनसे, और काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने उपनिषद के बारे में, ब्रह्मा सूत्रा के में काफ़ी कुछ इन्होंने बताई है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें लेके इनको, इनके जो बर्थ डेट है उसको लेके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी डिफरेंट हिस्टोरियन ने अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पीरियड इनका बताया है, लेकिन जो सबसे रेलिवेंट है, जो कि बाद में बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जैसे कि मैक्स मूलर थे, मैकडोनल्ड थे, और साथ में राधा कृष्णन, इन सभी ने जो एक्सेप्ट किया वो 788 एडी, वो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया एज ए बर्थ ऑफ द शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य, ठीक है। और ये केरला में इनकी बॉर्न हुआ था, और बाद में जब इनकी डेथ हुई, वो 32 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, काफ़ी छोटी एज में, और ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ठीक, केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है,
ओके और काफी जगह पे कांचीपुरम भी बताया गया है कि कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु है वहां पे इनकी डेथ हुई थी। तो ये दो सोर्सेज है जो कि बता रखा है जहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि शंकराचार्य के बाद में बारे में आपको काफी कुछ पता होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, आदि शंकरा कौन थे? 8th सेंचुरी के इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन लिखी थी किसके? अद्वैता वेदांता की। ओके, तो काफी लोगों ने, हाँ बिल्कुल, मंतोष जी ने कहा कि चार धाम का निर्माण भी इन्होंने करा है और काफी सब ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने उस टाइम पे करी थी और काफी फेमस रहे हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अशोका हैड मेनी सन्स, द इंस्क्रिप्शन मेंशन ओनली वन हु इज नॉट मेंशन इन एनी अदर सोर्स ही इज। तो देखिए, अशोका के कई सारे बच्चे थे, पुत्र थे, आपको बताइए, और लेकिन किसी का भी किसी भी इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा सन है जिसका मेंशन है। ओके, हिस्टोरिकली उनके एविडेंस अवेलेबल है जिसका इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रखा है। ओके, तो वो कौन सा सन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि काफी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन और आपको पता होगा इसके बारे में। जब अपन बात करते हैं अशोका की, तो वैसे पहले बेसिक बेसिक चीजें अशोका के बारे में जान लेते हैं। अशोका का जो बॉर्न हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा जो कि मॉडर्न क्या है, पटना है अभी। राइट नाउ किसको बोलते हैं अपन? पटना को बोलते हैं, मॉडर्न पटना, पाटलिपुत्रा। जो उनकी डेथ हुई थी अशोका की वो 232 BC के अंदर हुई थी, BCE के अंदर, और पाटलिपुत्रा के अंदर ही हुई थी जिसको अपन पटना कहते हैं, जैसे कि मैं अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर इनकी वाइफ की बात की जाए तो इनकी 5 बीवियां हुआ करती थी मेजर मेजर। ठीक है, उनका नाम कुछ इस प्रकार है, असंधि मित्रा। इसके अलावा देवी है एक, कारुवाकी है, पद्मावती है। पद्मावती ये दूसरी पद्मावती है खिलजी, और जो राजस्थान वाली पद्मावती से इसको रिलेट नहीं करना, ये अलग है। ओके, और एक त्रिशरा रक्षा के नाम से एक इनकी वाइफ थी। और इनके जो बच्चे थे वो 6 बच्चे, 6 सन इनके हुआ करते थे। ठीक है, एक महेंद्र, तिवाला, कुणाल, जालुका, चारामुती और संगमित्रा। इस तरीके से 6 इनके बच्चे थे जिसमें से एक ही का इंस्क्रिप्शन पे जो अवेलेबल है वो है बी, तिवारा का ही नाम अवेलेबल है। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, एक ही जो बच्चा है जिसका इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन है वो यही है बी, एक क्वीन एडिट नाम से, एक क्वीन एडिट है जिसके ऊपर मेंशन है। ओके, इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये मेंशन है। और तिवारा मौर्य की बात करें तो 3rd सेंचुरी के अंदर थे ये, और अशोका के संत थे जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड क्वीन जो थी कारुवाकी, ठीक है, उनके ये संत थे और क्वीन एडिट के अंदर इनका मेंशन है, और ये फेवरेट चाइल्ड थे अपने फादर के अशोक के, और वही इनको क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे उस टाइम पे। ठीक है, सबसे फेवरेट यही हुआ करते थे। तो उम्मीद है कि ये नाम फ्यूचर में आप नहीं भूलेंगे। और अशोका के बारे में एक और जो आपको नहीं पता वो आप देख सकते हैं, अशोका का जो एम्पायर था 250 BCE के अंदर, वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर अशोका ने खड़ा किया था। इतना बड़ा एम्पायर कोई भी जो जो कोई भी किंग था वो नहीं कर पाया था, इतना इन्वेड और इतना बड़ा टेक ओवर जितना अशोका ने किया था। आप देख सकते हैं पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ओके, बांग्लादेश, सभी कुछ एरिया इन्होंने कवर अप कर रखा था। तो किंगडम ऑफ अशोक आप देख सकते हैं इतना बड़ा इनका एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड मजर बाय विच अकबर अज्यूम द रोल ऑफ सुप्रीम आर्बिट्रेटर इन द मैटर ऑफ रिलीजन इज फाउंड इन। ओके, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो स्पेलिंग थी वो तिवारा की जगह तिवारा होनी चाहिए थी एक्चुअली। ठीक है, तो ये तिवारा होगा एक्चुअली, एल यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डॉक्यूमेंट है मजहर नाम का जो कि अकबर ने अज्यूम किया था, जहाँ पे रोल सुप्रीम आर्बिट्रेटर का, रिलीजियस से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे ओके वो सॉल्व आउट किए जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट था उसका नाम था मजहर। ये सब कौन सी बुक के अंदर लिखा हुआ है ये आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो आपके सामने अवेलेबल है। मेरा जो मोटिव है, प्राइम मोटिव ये है कि आप इस चारों बुक के बारे में सबसे पहले जान लें। चारों बुक के जो राइटर्स हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जहाँ पे रिलीजियस जितने भी मैटर थे उनको सॉल्व करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया वो किसके अंदर मेंशन किया गया है, वो अबुल फैजल की जो बुक थी अकबरनामा उसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर है। निजामुद्दीन ने लिखी तबाकत है अकबरी, तारिक है अल्फी लिखी कुतुबुद्दीन ने, और बादुनी ने लिखी ओके तवारीख, और साथ में अकबरनामा जो सबसे फेमस है जो पेपर में पूछते हैं वो अबुल फैजल की बुक किताब है अकबरनामा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर नामा क्या थी, ट्रांसलेटर थी अकबर की, और ऑफिशियल क्रॉनिकल भी थी अकबर के टाइम पे, जो जो सिस्टम था उन सभी की। ओके, और अकबर के कोर्ट ने खुद ने कमीशन किए थे कुछ हिस्टोरियन लिखने को लेकर, और जो अबुल फैजल जो पर्सन थे वो उन्हीं के एक ज्वेल में से एक थे, जो 9 ज्वेल के बारे में आपको पता होगा जो अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। ओके, उसी में से एक थे कौन, अबुल फैजल, जो कि एक हिस्टोरियन थे जिनको लिखने के लिए रखा गया था अकबर ने। और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे, पर्शियन के अंदर लिखा करते थे, जैसे कि आपको पता है पर्शियन लैंग्वेज सबसे फेमस थी अकबर के टाइम पे। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और काफी लोगों का आंसर भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ द पीपल द मदरसा ए नासरी वॉज बिल्ड इन द रेन ऑफ रीजन ऑफ। ठीक है, तो मदरसा ए नासरी एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, तो किसके टाइम पे बनाया गया था ये आपको बताना है। ओके, अब चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है, उम्मीद है कि सभी को कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होगा। मदरसा ए नासरी जो बनाई गई थी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वो इल्तुतमिश के टाइम पे बनाई गई थी। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो बी यहाँ पे सही आंसर है, इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1211 से लेके 1236, ये उनका टाइम था। थर्ड रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, जो कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, ममलुक डायनेस्टी से। तो ये जो पेपर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, कौन सी डायनेस्टी से और इस डायनेस्टी से कौन बिलोंग किया करते थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, मुल्तान, बंगाल, ये सभी इन्होंने कॉन्कर किया था, रणथंबोर, शिवालिक रूलर को इन्होंने डोमिनेट किया। ओके, तो काफ़ी इन्होंने इन्वेट किया और काफ़ी एरिया इन्होंने उस टाइम पे ऑक्यूपाई किया। आप देख सकते हैं ये एरिया था जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे था, और कई सारी इनकी पॉलिसीज थी जो कि फेल भी हुई थी। ओके, इवन दो इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपेंशन कर लिया था उस टाइम पे। ओके, कई सारे रूलर को, जैसे कि राजस्थान के रूलर थे, उसके बाद में कुछ एक मुल्तान के थे, बंगाल के थे, इन सब के यहाँ पे कॉन्कर कर लिया था। ये है इल्तुतमिश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखादत्त स्क्रैचेस द इवेंट आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त इन हिज बुक। तो विशाखादत्त ने काफ़ी कुछ इवेंट जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, ओके, वो मेंशन किए थे, वो कौन सी किताब के अंदर मेंशन किए थे ये आपको बताना है। ओके, तो आपको पता ही होगा, जो सबसे पहले तो आपको इन चारों के जो राइटर्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए। मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास जी के द्वारा। ओके, उसके अलावा मिशिकाटिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ये भी आपको पता, शुद्राका के द्वारा। और ये जो दोनों किताबें हैं, बुद्ध रक्षकम और साथ में देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी। तो इन दोनों किताब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा, काफी लोगों ने ए आंसर सही दिया है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही है। और जो ये काफी सारे हिस्टोरिकल एविडेंस है जो कि मौर्यास के, एक्चुअली गुप्तास के नहीं, मौर्यास के हैं, मौर्या के इन्होंने इस टाइम पे काफी चीजें बताई थी। ठीक है, मौर्यास के बताई थी। और मुद्र रक्षिका जो ये फर्स्ट बुक जो आपका आंसर है इसकी बात करें, तो एक हिस्टोरिकल बुक है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। पेपर में मैंने देखा है, ये सवाल भी कई बार पूछते हैं कि ये जो किताब है जो कि विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी, कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से जो जो चीज़ें हुई थी, ओके, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, वो सभी इसके अंदर लिखी गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए थे उसके बाद में जो जो इवेंट हुए समुद्रगुप्त तक, वो सभी इसके अंदर लिखे गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग्स। तो कौन से रिपब्लिक से बुद्धा बिलोंग किया करते थे ये आपको बताना है। ओके, चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, उम्मीद है कि आपको बुद्धिज्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो पता होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था GK24 iPhone के लिए, तो अभी GK24 iPhone के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अवेलेबल हो जाएगी। और प्रवीण जी, आपको CHSL के लिए जो GK की PDF है, ये सभी क्वेश्चंस वो GK24 app के अंदर मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए, जो सही आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे B सही आंसर होगा, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, संख्या से जो रिपब्लिक है वहाँ से बुद्धा बिलोंग किया करते थे।
अब जो बेसिक चीज़ें जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली बुद्धा के बारे में पूछी जाती है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं और आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। बॉर्न, ओके, कहाँ पे हुए थे? लुम्बिनी के अंदर हुए थे, ठीक है। कौन सी रिपब्लिक के अंदर? संख्या रिपब्लिक के अंदर, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है। और इसके अलावा जब इनकी डेथ हुई थी, ओके, जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर हुई थी। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। और ठीक है, माला रिपब्लिक है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। पेरेंट्स का नाम भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, सुशोधना और माया देवी, ठीक है, ये इनके नाम थे। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन है जो कि ध्यान रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 द पीपल ऑफ डैश वर गिवन द राइट टू डिसाइड थ्रू अ प्लेबिसाइट वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तो देखिए, जब माउंटबेटन प्लान आया था 1947 के अंदर, ओके, 1947 में, तब एक रीजन था, एक एरिया था, उनके लोगों को, ठीक है, खुद राइट दे दिया गया था कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्लेबिसाइट इंग्लिश के अंदर, ओके। तो एक कौन से रीजन के लोग थे जहां पे प्लेबिसाइट अलाउ कर दिया गया था और जिससे इंडिया को काफी लॉस भी हुआ था बाद में, ओके। और पूरन जी बोल रहे हैं करंट अफेयर की, तो पूरन जी, करंट अफेयर के वीडियोज आते हैं वीकली, आप वो पढ़ सकते हैं, जो कि हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी पेपर के लिए। अब देखिए, यहाँ पे जो चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, तो ये जो राइट दिए गए थे ना प्लेबिसाइट के, वो दिए गए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को और साथ में शैलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम के। अब कई बार ये डाउट होता है कि कौन सा एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान वाला जो POK वाला जो एरिया है, ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट काफ़ी मेजॉरिटी थी, जो कि जिन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को पे अंदर जाने को लेकर सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये लोग चले गए पाकिस्तान। वैसे ही जो शैलेट जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, जो उस टाइम पे ये शैलेट है जो कि आज बांग्लादेश के अंदर है, यहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी काफ़ी थी, इसलिए इन सभी ने भी पाकिस्तान को ज्वाइन करने का फैसला किया, ओके। तो कुल मिला के ये जो दो एरिया थे, इन दोनों में प्लेबिसाइट कराया गया था और सभी ने यहाँ पे पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला किया। और जो पार्टीशन हुआ था यहाँ पे, वो रिलीजियस लाइन पे हुआ था बेसिकली, ओके। मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया थे पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन किया, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे वो इंडिया के अंदर ज्वाइन हो गए, और शैलेट मुस्लिम मेजॉरिटी था आसाम के अंदर, हालांकि आसाम उस टाइम पर मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। जो शैलेट के लोग हैं वो बंगाली बोला करते थे और आसाम के लोग आसामी बोला करते थे, और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम थी उन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि एक स्टेट बने जो जहाँ पे होमोजीनियस लोग हो, ओके। इसीलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे आसाम के, गोपीनाथ, उस टाइम पे 1946 के अंदर उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो शैलेट वाला रीजन है वो पाकिस्तान को ही दे दिया जाए, तो प्लेबिसाइट करा के, और ऐसा हो भी गया, ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पंजाब जो बोल रहे हैं, एक्चुअली वो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, ठीक है। आयुष श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर हुआ था, तो देखिए पंजाब के अंदर भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे भी लोगों ने ज्वाइन किया था इंडिया, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हुआ था एक्चुअली, वहाँ पे प्लेबिसाइट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि राइट टू डिसाइड करने की, किन लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कई जगह पे इलेक्शन कराए गए थे और कई जगह पे लोगों को खुद को बता दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है, और डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। और उसी टाइम पे कश्मीर ने भी ज्वाइन कर लिया था इंडिया, प्लेबिसाइट सून ऑन रूरल डिसीजन, आपको पता होगा शेख अब्दुल्ला ने फॉर्म करी थी इंटरिम गवर्नमेंट, और ये अगले दिन का न्यूज़पेपर है जब कश्मीर ने एक्सेप्ट कर लिया था इंडिया को लेकर, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन है वो ज्वाइन कर लिया था, ओके। और ये पूरा रीजन है जो कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉन्कर एंड एनेक्स पेशावर एंड पंजाब मोहम्मद ऑफ गजनी डिफीटेड। तो जो पेशावर और पंजाब वाला एरिया है, तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने कौन से रूलर्स को हराया था, ये आपको बताना है, ओके। तो यहां पे चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है,
और यहाँ पे देखिए जो सही आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे डी आपका सही आंसर होगा। हिंदू शासीज जो रूलर थे उनको हराया था मोहम्मद ऑफ गजनी ने पेशावर और पंजाब, ठीक है, पेशावर और पंजाब इन दोनों एरिया को कॉन्कर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर में कई बार आता है ऐसा सवाल, इनफैक्ट सीडीएस और एनडीए का तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। मोहम्मद ऑफ गजनी जब इंडिया की तरफ, जैसे कि आपको पता होगा गजनी ने 17 बार इंडिया को इन्वेट किया, काफ़ी लूटा, और जब ये आए थे उस टाइम पे उस जगह से आ रहे थे तब हिंदू शासीज कई सारे रूलर थे जिनको हराया था। टाइम पीरियड की बात की जाए मोहम्मद ऑफ गजनी की तो 971 से लेके 1030 तक इनका टाइम पीरियड था। ओके, प्रोमिनेंट रूलर थे गजनावाद एम्पायर के, गजनीवेद एम्पायर इनका वहाँ पे रूलर एम्पायर था, ठीक है। और ईस्टर्न ईरानियन लैंड, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि मॉडर्न पाकिस्तान है, यहाँ सभी को इन्होंने टेक ओवर कर लिया था और काफ़ी बार इंडिया को इन्वेट किया सिर्फ वेल्थ के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और डी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, टर्किश नोबल, ठीक है, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द अब्बासिड डायनेस्टी ऑफ टर्किश नोबल अक्वायर्ड द एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गजनी, उसके बाद में इन्होंने ग्लोरी काफ़ी बढ़ाया दुनिया में अपना एम्पायर, और वेल्थ काफ़ी लूटी, इंडो गंगेटिंग प्लेन से अटैक किया इंडिया में 17 बार, ठीक है, और काफ़ी कुछ लूट के ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए, ओके, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद, तो आपको टोडरमल के बारे में बताना है कि टोडरमल कौन थे और टोडरमल किस फील्ड से रेलिवेंट थे, रिलेटेड थे। टोडरमल कौन थे ये सबसे पहले देख लेते हैं अपन, कौन थे टोडरमल, कौन थे, खत्री राजपूत थे जो कि शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया करते थे। कई बार पेपर में पूछते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि ये किनके सबसे पहले किनके टाइम पे काम किया करते थे, किनके अंडर काम किया करते थे। तो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया करते थे, वहां पे इन्होंने काफी एक्सपीरियंस लिया मैनेजमेंट का लेकर, किसको, लैंड को और रेवेन्यू को लेकर। ओके, उसके बाद में इन्हें अकबर के चांसलर बनाया गया मुजफ्फर खान को असिस्ट करने के लिए, और बाद में वहाँ के मेजर, ये फिनेंस वहाँ के हेड बन गए। जो राजा टोडरमल थे फर्स्ट हिंदू थे जिनको साइन किया गया था मुगल आर्मी के अंदर, और काफ़ी मुगल जो अकबर थे वो मुस्लिम को उस टाइम पे चाहते नहीं थे उनके रेवेन्यू देखने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उसीलिए उन्होंने टोडरमल को अक्वायर किया, टोडरमल को रखा वहाँ पे, और रेवेन्यू सिस्टम गुजरात को उन्होंने डेवलप किया, बंगाल का किया, और फिनेंस ऑफिसर मुजफ्फर है दीवान बना दिया गया इनको 1575 के अंदर, और दीवान है कुल चीफ फिनेंस मिनिस्टर बना दिया गया 1582 के अंदर। ओके, और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे किए गए टोडरमल के द्वारा, और टोडरमल रिफॉर्म्स उनको कहा जाता है, और उनकी 1587 के अंदर डेथ हो गई। तो कुल मिला के उनके जो काम थे वो फिनेंस से रिलेटेड थे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गलत भी आंसर किया और सही भी काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी सही आंसर होगा, फिनेंस है जो कि वो देखा करते थे उस टाइम पे, किसके, अकबर का, उससे पहले शेरशाह सूरी का। ओके, तो ये थे राजा टोडरमल। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आज के 10 क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आएंगे और आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएंगे आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी, अगर आप एक अच्छे सिटीजन हैं तो इंडिया की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है फ्रेंड्स, तो वाईफाई स्टडी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, वो सब आप ले सकते हैं उनकी हेल्प, और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का सेशन आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। साथ में जीके 24 डाउनलोड करना बिल्कुल